कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शक्ति नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती सुषमा दादू जायसवाल ने नगर पालिका को सैनिटाइजिंग टनल टैंकर दिया है। यहां टैंक भीड़भाड़ वाले जगहों पर लगाया जा सकेगा। बताया ये भी जा रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने इस टनल को अपने फैक्ट्री में ही बनवाया है। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुषमा दादू जायसवाल के द्वारा नगर पालिका को सैनिटाइजिंग टनल टैंकर दिया गया। ज्ञात हो कि कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी से बचाव के लिए शासन प्रशासन तो पूरी तरह से जुटा हुआ है, वहीं आम नागरिक भी बचाव के लिए अपने ओर से सहयोग दे रहे हैं। प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर वर्ग से इस मौके पर सभी से सहयोग की अपेक्षा की अपील की गई। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुषमा दादू जायसवाल के द्वारा नगर को कोविड-19 जैसे महामारी से बचाव के लिए 17 अप्रैल को स्वयं के वर्कशॉप में निर्मित सैनिटाइजिंग टनल टैंकर का निर्माण कर नगर पालिका को दान किया गया है। इस टनल से आम जन को सैनिटाइज किया जा सकता है। टनल के साथ साथ पंप और हाइड्रोलिक टैंकर भी दान किया गया है। वैसे हाइड्रोक्लोराइड छिड़काव को WHO ने मान्यता नहीं दी, जिसके कारण कई चौक चौराहों से हाइड्रोक्लोराइड के छिड़काव वाले पाइप को हटवा दिया गया है। लेकिन और भी किसी तरह के केमिकल के छिड़काव को लेकर WHO द्वारा मान्यता दी जाती है तो इस टनल को अच्छे से उपयोग में लिया जा सकता है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुषमा दादू जायसवाल के द्वारा कहा गया कि लगातार सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए लोग पहुंचते हैं और इस आपाधापी में सब्जी खरीदने में कई लोग एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। इस सब को देखते हुए मेरे द्वारा स्वयं अपनी वंदना इंडस्ट्री फैक्ट्री में यह सैनिटाइज टनल टैंकर का निर्माण किया गया है, ताकि ऐसे भीड़भाड़ इलाकों में लगातार आने जाने वाले सभी व्यक्ति सैनिटाइज से होकर आना जाना कर सकें और इस संक्रमण बीमारी से बच सकें। और इस तरह का सैनिटाइज टनल टैंकर अभी पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है और यह सब हमने आम नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नगर पालिका को दान किया गया है और नगर पालिका इस सैनिटाइज मशीन को कहीं भी लगा सकता है। इस संबंध में नगर कांग्रेस अध्यक्ष त्रिलोक चंद जायसवाल के द्वारा कहा गया कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का सैनिटाइज मशीन नहीं है और यह मशीन सब्जी मंडी में लगेगी तो वहां आने जाने वाले हर व्यक्ति को पूरी तरह से सैनिटाइज टनल से गुजरने पर सैनिटाइज होकर बाहर निकलेंगे और कोविड-19 जैसी महामारी से बचाव होगा। ये जो सैनिटाइजर बूथ है, नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती सुषमा जायसवाल खुद इसको दान में दी है। उनकी इच्छा है कि बस्ती में कहीं भी लगाया जाए, इससे लोगों को पूरे सैनिटाइज होंगे। ये सैनिटाइजर बूथ उन्होंने दान में दिया है। शक्ति से राम नारायण गौतम की रिपोर्ट।